जय हिंद दोस्तों, आज हम आपके लिए हिंदी का क्लास लेकर आए हैं। हिंदी हम पढ़ेंगे, कम समय में अधिक क्वेश्चन हम अटेंड करने वाले हैं। हिंदी का हमारा पहला क्लास है आज का, हम पढ़ते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, आज हमारे सामने है। ब्रज भाषा है पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, पूर्वी हिंदी। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रज भाषा, जो इसमें है पश्चिमी हिंदी हो जाएगा, पश्चिमी हिंदी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। मगही किस भाषा की बोली है? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी, राजस्थानी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मगही, हमारा बिहारी हो जाएगा। मगही किस भाषा का बोली है? मगही बिहारी का है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? मगही, सौरसेनी, पचड़, अर्ध मगही। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, हिंदी खड़ी बोली जो अपभ्रंश से विकसित हुई है वो सौरसेनी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। ऑप्शन में है 1953, 1954, 1956, 1952। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 1956। जो भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों का पुनर्संरचना की गई थी 1956 में की गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था? 26 जनवरी 1950, 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1950, 15 अगस्त 1947। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, जो राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था वो 14 सितंबर 1949 को लिया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 14 सितंबर, 28 सितंबर, 10 अक्टूबर, 11 जून। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, हिंदी दिवस मनाते हैं हम 14 सितंबर को। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में प्रसिद्ध है? तकनीकी भाषा, राष्ट्रभाषा, काव्य भाषा, राजभाषा। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा काव्य भाषा। करेक्ट आंसर हो जाएगा, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा के रूप में सबसे अधिक जो प्रसिद्ध है वो काव्य भाषा के रूप में प्रसिद्ध है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? राजभाषा, विभाषा, राष्ट्रभाषा, तकनीकी भाषा। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा राजभाषा। भारतवर्ष में हम हिंदी को राजभाषा में रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? द्रविड़, अष्ट्रिक, चीनी, तिब्बती, भारोपीय। जो हिंदी भाषा का परिवार हमारा है भारोपीय परिवार से ली है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? संस्कृत, तमिल, उर्दू, हिंदी। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा हिंदी, क्योंकि सबसे ज़्यादा हिंदी हमारे यहाँ बोला जाता है भारत में। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आता है आती है? बंगारू, अवधी, तेलुगु, कन्नौजी। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, जो बोली और अथवा हिंदी के अंतर्गत नहीं आता है वो तेलुगु नहीं आता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। रूढ़ाली बोली है ये राजस्थान की बोली है, दक्षिणी राजस्थानी, पश्चिमी राजस्थानी, उत्तर राजस्थान की, पूर्वी राजस्थान की। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा पूर्वी राजस्थान की। ये जो बोली बोली जाती है रूढ़ाली वो पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली हैं, इसमें पूछा है हिंदी
हिंदी के आधार पर, वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली इसमें से कौन सा है? पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पूर्वी हिंदी। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बंगलौर, चेन्नई, मैसूर, हैदराबाद। जो दक्षिण भारत की हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय है वो चेन्नई में है। चेन्नई भी करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? हिंदी का जो विकास हुआ है उसका सही अनुक्रम पूछा है। प्रकृत अपभ्रंश हिंदी पाली, अपभ्रंश पाली, प्रकृत हिंदी, हिंदी पाली अपभ्रंश प्रकृत, पाली प्रकृत अपभ्रंश। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा इसमें का पाली प्रकृत अपभ्रंश। पाली प्रकृत अपभ्रंश हिंदी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन किया गया है? उच्चतम न्यायालय की भाषा, पत्राचार की भाषा, हिंदी के विकास के लिए निर्देश, संघ की राजभाषा। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा हिंदी के विकास के निर्देश। हिंदी के विकास के लिए निर्देश हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। वर्णमाला कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को, वर्णों के व्यवस्थित समूहों को, शब्द के समूहों को। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा जो वर्णों को वर्णमाला कहते हैं वो हो जाएगा वर्णों के व्यवस्थित समूहों को। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है? इसमें मूर्धन्य व्यंजन आपको बताना है। मूर्धन्य व्यंजन बताना है इसमें। इसमें थोड़ा ऑप्शन थोड़ा डिफिकल्ट दे दिया है। इसमें होगा, सॉरी, ये सब गलत हो जाएगा। करेक्ट आंसर हमारा होगा ये दोनों सही होगा आंसर, और सब गलत ऑप्शन में है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। AI वर्ड क्या कहलाते हैं? AI वर्ड क्या कहलाते हैं? मूर्धन्य, कंठ तालब्य, नासिक, ओष्ठ। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा कंठ तालब्य। AI जो जिसमें आते हैं वो कंठ तालब में आते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए, अब क्वेश्चन नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नया चैनल बनाए आप लोग सपोर्ट कर सकते हैं और शेयर भी अपने दोस्तों में करा सकते हैं। हम आप ही के भाई बंधु हैं। चलते हैं, धन्यवाद।